प्रेज द लॉर्ड। मैं नितेश मसीह आज आपके बीच में वचन को शेयर करने आया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप निकाल लेंगे मत्ती सुसमाचार का 25वां अध्याय, 10 कुमारियों का दृष्टांत के विषय में मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमारे साथ निकाल लेंगे मत्ती सुसमाचार का 25वां अध्याय। उसमें लिखा हुआ है, उन 10 कुमारियों के समान जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। यानी 10 कुमारी हम लोग मेरे मसीह भाई बहनों, और दूल्हा कौन? प्रभु यीशु मसीह। मसाले लेकर निकले, यानी कि कौन था मसाले? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। वो मसाले अंदर से जलते ही रहना चाहिए, है ना। यानी हमें पवित्र मतलब हमें परमेश्वर का भूख अंदर होना चाहिए उसका। तो यहां पे देखेंगे लिखा हुआ है, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। ध्यान सुनिएगा, उसमें से 5 मूर्ख, 10 कुमारी लड़की थी, दूल्हा से भेंट करने के लिए मसाले लेकर आगे बढ़ी। उसमें से 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान। यहां पे लिखा हुआ है, परंतु अपने हाथ में मसाल मूर्खों ने अपनी मसाले को ली मूर्खों ने अपने मसाले को तो ली परंतु अपने हाथ अपने साथ तेल नहीं लिया। यानी कि मूर्खों ने तो मसाले तो लिया, लेकिन अपने साथ मसाले में जो तेल रखना है मसाले में, उसमें क्या वो नहीं लिया। यानी कि कौन सा तेल? यानी पवित्र आत्मा का भूख। बस प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, जल्दी से बैठ जा प्रार्थना में। लेकिन आपके अंदर तो वो भूख है ही नहीं, आपके अंदर तो वो है ही नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके अंदर प्रार्थना करने का वो अंदर से पवित्र आत्मा है ही नहीं, आपको सामर्थ्य दे ही नहीं रहा है प्रार्थना करने का। यही मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मूर्ख का निशानी है। यहां पे देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, और यहां पे बताया जा रहा है, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पी में भी तेल लिया। यानी कि समझदारों ने मसालों के साथ मसाल तो लिया साथ में कुप्पी में तेल लिया, यानी उनको मसाले लिया। यानी कि हमें पवित्र आत्मा जब इन दिनों मिला तो हमने तो पवित्र आत्मा को लिया और साथ में उसे संभाल कर भी मैं रखा। यानी कि मुझे आने वाला समय में पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग उठाए जाएं। यहाँ पे देखेंगे मेरे प्रिय भाई, और यहाँ पे लिखा हुआ है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊंचे उंगने लगी और सो गई। यानी जब प्रभु यीशु मसीह का आने का समय हुआ तो हम लोग क्या हुआ? अब सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? अब सो रहे हैं। यानी अरे यार, अभी तो प्रभु यीशु मसीह के आने में समय है भाई, हड़बड़ाना कहाँ है। जब आएंगे प्रभु यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा तो मिला हुआ है, प्रार्थना करने लग जाएंगे, हम लोग उठा लिए जाएंगे स्वर्ग में। ये सोचकर 10 कुमारी जो थी वो सो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आधी रात को धूम मची। देखेंगे मत्ती 25वां अध्याय का 6 वचन में लिखा हुआ है, तब आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। यानी कि आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। यानी कि 10 कुमारी को उठाया, एक कुमारी उठा, देखो यीशु मसीह आ रहे हैं, उठो। यानी एक को उठाया, एक ने सबको 9 को उठा लिया, है ना। उठाने के बाद चलो प्रार्थना करते हैं, चलो यीशु मसीह आने वाले हैं। और यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ, तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। यानी उठकर मसाले ठीक करने लगी, यानी कि उठकर प्रार्थना करने लग गई, ठीक करने लगे, अपने आप को पवित्र करने लग गए, अपने आप को जो जो गलती किए होंगे लोग अपने अपने को वो लोग सुधार करने लगे। यानी पवित्र आत्मा से द्वारा से लोग अपने अपने प्रार्थना करने लग गए। और यहाँ पे देखेंगे मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पे लिखा हुआ है, तब वे सब कुमारी उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने अपने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बूझी जा रही है। यानी कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे मूर्ख,
तो उसके अंदर क्या पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं था, उसके अंदर क्या वो लोग खत्म हो चुके, वो लोग मर गए, है ना। मतलब अंदर से शरीरी रूप से तो जिंदा है, लेकिन अंदर से जो प्रार्थना करने का भूख, जो अंदर से प्रार्थना करने का सामर्थ्य, जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो अंदर से क्या हुआ, वो खत्म हो गया, वो मर गया था उसके अंदर। तो वो क्या कर रहा है कि आप प्लीज आप मेरे लिए थोड़ा सा प्रार्थना करिए कि मेरे अंदर थोड़ा सा मुझे बताइए कि मैं किस तरह से प्रार्थना करूं कि मुझे फिर से दोबारा वो पावर परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे आए और मुझे फिर से वो मसाले तैयार हो जाए, वो तेल मुझे दे दीजिए। यानी इस तरह से मूर्ख ने समझदारों से कुप्पी मतलब तेल मांग रहा है ना। तो मेरे प्रिय भाई यहाँ पे लेकिन वो मूर्ख, यानी कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहनों हैं जो बहुत तेजी से यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, बहुत तेजी से ग्रहण किए, लेकिन अंत के दिनों में क्या होगा, जब यीशु मसीह का आने का समय होगा तो आधे लोगों का दिया क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, आधे लोगों का मसाले क्या होगा, बुझ जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, और जो लोग समझदार हैं वो लोग धरे रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामने अंत तक, दम दृढ़ता के साथ, चाहे दुख हो चाहे मुसीबत हो, अपनी मसाले को जलाए रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे लिखा हुआ है परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कतचित यह हमारे और हमारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए तेल मोल ले लो, यानी कि मैं तो तुम्हें नहीं दूंगा, आप जाइए, आप यहाँ से तेल खरीदे हैं, वहाँ जाइए, वहाँ से अपना उससे लिए, यानी आपके पास्टर के पास जाइए, उनसे पूछिए कि हम कैसे मुझे, यानी जब तक मैं आपको बताऊंगा तब तक मैं तो यीशु मसीह आ जाएंगे, तो फिर हम भी रह जाएंगे, इसलिए प्लीज आप लोग जाइए उनसे पास जाइए, आप जहाँ से मसाले तैयार वहाँ से तेल लेकर आइए, तभी आपको मैं तो नहीं दूंगा। यानी कि समझदार कुमारी स्त्री जो थी उन्होंने साफ साफ नहीं, समझदार हम लोग जो हैं, जो हम लोग दूसरे बाद में जब अंत के दिन होगा तो हम लोग तो भाई साफ मना कर रहे हैं, भाई आप लोग जाइए, आप लोग खुद से प्रार्थना कीजिए, जहाँ से आपको जो शिक्षा दिया है आप उसके पास जाइए, उनसे पूछिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, और यहाँ पे एक चीज और वचन कहता है, और हाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, जब तक वो जाएगा तेल लेने तब तक तो यीशु मसीह आ जाएंगे, तब तो वो छूट ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक वचन और कहता है, जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आकर पहुंच गया, लीजिए पहुंच गया दूल्हा आकर, यानी जब वो तेल लेने जा रहा है तो यीशु मसीह तुरंत पहुंच गया। जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और दूल्हा और द्वार बंद हो गया। यानी कि जो लोग मसाले लेकर तैयार थी, पहले से रेडी थी, वो क्या अपने आप को, जैसे यीशु मसीह आया पांच कुमारियों को ले गया, पांच कुमारी चले गए कहाँ तेल लेने के लिए, और तब तक में दूल्हा आ गया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपको एक छोटा सा दृष्टांत में आपको बताना चाहूंगा। अगर एक रखवाला रात को रखवाली करता है जागकर, और उसे पता है कि अरे सब लोग सो रहा है, हम भी सो जाते हैं, है ना, एक आध दो घंटा नींद वाले, और तब तक में रखवाला का जो मालिक है वो पहुंच जाता है, सोते देखता है, तो उसको क्या होगा, डांट पड़ेगा ना, और उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हो सकता है कि तुम्हें हम रात को जगने की पैसे दिए, ड्यूटी करने के लिए, सोने के लिए नहीं, लेकिन तुमने क्या किया, सो गया, क्यों सोया, तुम एक ही घंटा सो, चलो अभी तो रात बहुत है, एक घंटा सो लेते, आराम कर लेते, तब तक कोई कौन आके देखने जा रहा है, कौन चोरी करने जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ये हम लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए। हम लोगों को जब ये रात के ड्यूटी मिला है तो उस रात को ड्यूटी को पूरी अच्छी तरीके से निभाना चाहिए। यानी कि हम लोगों को यीशु मसीह का आगमन का दिन का समय पता है कि हाँ यीशु मसीह कभी भी आ जाएगा, तो हमें क्या करना है, हमेशा प्रार्थना करना है उस पांच कुमारी के जैसा, है ना। ये नहीं कि अंदर से मसीहत का जिंदगी को खत्म कर दें, अरे यार अभी बहुत समय है, अभी भाई बहुत समय है, अरे बहनों अभी बहुत समय है, अभी यीशु मसीह आने में बहुत लंबा टाइम है, अभी और ये सब घटना बाकी है, ये ऐसे करने से नहीं होता है मेरे प्रिय भाइयों, ऐसे बोलने से नहीं होता, कंटिन्यू आप हमेशा प्रार्थना में लगे रहिए।
यहाँ पे और देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद वे दूसरी कुमारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। जब दूसरी पांच कुमारी जो थी, जो बच गई थी, वो कह रहा है क्या, हे प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए द्वार खोल दीजिए, है ना, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। उसने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो। यानी कि उसने द्वार को क्या किया, बंद कर दिया। और जब द्वार बंद हो गया मेरे प्रिय भाई बहनों, तो यीशु मसीह ने सीधे कह दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। साफ साफ इनकार करना। सोचिए जब आप छूट जाएंगे स्वर्ग जाने से, तो उस समय आपके दिल पर एक बड़ा पत्थर जैसा चोट लगेगा। वो समझदार तो चली गई, वो तो दिन रात परमेश्वर की सेवा करते रहने वाली, प्रार्थना करने वाला वाली लड़कियां जो थी, यानी जो समझदार मनुष्य हैं, जो 10 समझदार, 5 समझदार कुमारी थी, वो समझदार लोग हमेशा प्रार्थना में रहती थी। और उसने क्या हुआ, जब यीशु मसीह का आगमन का दिन हुआ तो उसे ले गया, और 5 मसाले चक्कर में थी कि जा रहे हम, फिर से पूछ के आते हैं कैसे प्रार्थना करना है, कैसे क्या करना है, ये हमें भी उठा लिया, और तब तक में द्वार बंद। तो हमें कैसे बनना है, 5 समझदार कुमारी के जैसा बनना है, इस 10 मूर्ख के जैसा, 5 के जैसा नहीं बनना है मेरे प्रिय भाइयों। ये 10 कुमारी का दृष्टांत था, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इट डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरे जीसस वर्ल्ड.com, जीसस डॉट सॉरी इस डिस्क्रिप्शन के नीचे